हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं ये ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका टॉप बियर बनाएंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैंने वेलवेट फैब्रिक का यूज किया है जो स्ट्रेचबल है। आप कोई भी अदर स्ट्रेचबल फैब्रिक यूज कर सकते हैं। इसको आप किसी भी शॉर्ट स्कर्ट के साथ या लॉन्ग स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। आप कोई भी अदर स्ट्रेचबल कपड़ा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं पहले इसकी फोर फोल्ड कर लूँगी और इसकी लेंथ पर मार्क कर लूँगी। मैं इसको 23 रख रही हूँ। अगर आपको थोड़ी लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ मार्क कर सकते हैं। ये मैंने मार्किंग करके इसकी फुल लेंथ ले ली है। कपड़ा मेरा फोर फोल्ड पर है। जिस साइड ये क्लोज है इसका पार्ट, उस साइड से मैं नेक की मार्किंग करूँगी। पहले मैं इसकी चौड़ाई में इसकी 3 पर मार्क करूँगी और ये बैक नेक की पहले मैं मार्किंग कर रही हूँ और इसकी जो डेप्थ है वो मैं 3 पर मार्क करूँगी। और फ्रंट नेक का जो मैं मार्किंग करूँगी तो वो 5 पर करूँगी। ये नेक की मार्किंग हो गई है। हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर मैं 6 पर कर रही हूँ। आधा इंच हम नीचे इसको डीप करेंगे इस टाइप से और फिर मैं शोल्डर की मार्किंग कर लूँगी आर्म होल की। तो ये मैंने 6.5 पर लिया हुआ है और अब मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा फास्टली भी बता रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसमें डिटेल में बताया हुआ है कि नेक कैसे मार्क करते हैं, उसकी कटिंग कैसे करते हैं, शोल्डर मार्क कैसे करते हैं और उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसका आर्म होल काटेंगे और इसकी जो साइड में हमने फिटिंग लगाई थी वो काटेंगे। इसके बाद मैं नेक की कटिंग करूँगी। पहले हम इसका बैक नेक कटिंग करेंगे। इसके बाद हम दोनों लेयर को अलग कर देंगे और फिर इसकी फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। आपकी ये लेयर कपड़े की खुल जाएगी तो आप पहले इसको अच्छे से तय कर लें, इसके बाद इसकी कटिंग करें जिससे हमारा नेक एकदम राउंड शेप में आए। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। स्लीव मैंने पहले से ही काट के रखी हुई है। इसको कैसे मैंने काटा है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं नेक बनाने के लिए एक अदर कपड़े का भी यूज़ करूँगी जो मैंने कॉटन का लिया हुआ है। आप कोई भी इसमें कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, ये अंदर रहेगा तो देखेगा नहीं। तो हम इस टाइप से फ्रंट में रख के इसकी सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें फ्रंट साइड से रख के इसमें सिलाई लगा ली है। हम इसको कपड़े को ऐसे कट कर देंगे और छोटे छोटे कट इसमें लगा कर इसको पलट देंगे और इसके बाद इसके नेक पर हम टॉप सिन सिलाई लगा लेंगे। मैंने एक पार्ट रेडी करके रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, और जो अदर कपड़ा बचा हुआ है इस पर एक मैंने लूज स्टिच डाल दी है। इसको आप फोल्ड कर सकते हैं या फिर इसको आप काट के अलग भी कर सकते हैं। अब मैं दोनों के शोल्डर ज्वाइंट कर लूँगी और बीच में जो मैंने लूज स्टिच दी है इसके बारे में बताऊँगी। मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। ये देखिए, अब मैं इसकी स्लीव अटैच करूँगी, साइड में जो जॉइन करूँगी और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको फोल्ड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर सकते हैं जितना आपको शॉर्ट या लॉन्ग टॉप चाहिए है। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लेती हूँ। मैंने ये स्लीव अटैच कर ली है और साइड की फिटिंग भी कर ली है। आप फिटिंग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको लूज या टाइट चाहिए। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके बीच में एक मैंने सिलाई डाली हुई है जिससे ये कपड़ा ऊपर नहीं आएगा और इसको हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो इसमें हल्की हल्की छोटी छोटी सी प्लेट्स आ जाएंगी जो एक अलग पैटर्न बन जाता है टॉप या टी शर्ट का। तो आपको अगर पसंद हो तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल में भी वेयर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों टाइप से बता दूंगी। हाय फ्रेंड्स, ये हमारी टी शर्ट बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको वेयर करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको जीन्स के ऊपर
पहना हुआ है। आप चाहें तो इसको स्कर्ट के ऊपर पहन सकते हैं, इसका दोनों में ही लुक अच्छा आता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ड्रेस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।